मैं हूं स्मेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से, चकमा देकर बाइक लेकर फरार। बरछवा रायबरेली बरछवा थाना क्षेत्र के रायबरेली रोड स्थित रंगाबाज ढाबा मालिक को एक अज्ञात व्यक्ति ने दवा लेने के बहाने बाइक मांगी। बाइक के डिग्गी में दो मोबाइल फोन थे तथा उसके बाद वो बाइक लेकर फरार हुए। कई दिनों बीत जाने के बाद गाड़ी लेकर न जाने वाले व्यक्ति नहीं आता था। फोन करने पर फोन उठाता था, बात करने पर कहता था कि मैं सुबह आऊंगा, शाम को आऊंगा, ये कहकर 3-4 दिन से आने के बात कर रहा है। इतने दिन बीत जाने के बाद ना आने पर बाइक के मालिक ने आज बरछावा थाना क्षेत्र के जाकर प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है तथा गाड़ी नंबर UP33BF4130 जो कि बजाज सिटी 100 जो कि प्रवीण कुमार मिश्रा पुत्र नवनीत कुमार मिश्रा निवासी रामपल खेड़ा पोस्ट बनवा थाना बरछावा की थी तथा उसमें लवा कीपैड मोबाइल फोन भी था। इस मामले के संज्ञान में लेते हुए बरछावा थाना अध्यक्ष छानबीन शुरू कर दी है। मोनू सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? आप कहाँ निवासी हैं? आप साथ क्या हुआ? अरे हमारा ढाबा जो है करनावा निकट के पास जो है बरछावा जी जी जी, तो वहाँ पे हमारी बाइक शाम को शुक्रवार करीब 4 बजे जो है एक लड़का अपने आपको संजय वर्मा ड्राइवर बता रहा था जी जी, और वही जो है कि बोला कि हम बरछावा जा रहे हैं, हमारी तबीयत नहीं सही, सर दवा लाना है जी जी। जी जी, और 7-8 रुपये का बिल भी बाकी जी, और वही जो है गाड़ी लेकर के गया है और बोला कि 10 मिनट में आ रहा है, फिर अभी आया नहीं जी जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि शाम को फ़ोन भी बात हुई तो बोला भाई साहब अभी आ रहे हैं और हम किसी काम से गोसाईगंज चले आए जी। फिर पापा से बातचीत हुई, उसके बाद में बोला कि दादाजी हम थोड़ा सा खा पी लिए हैं, हम सुबह आएंगे, और इसी तरीके से वो चकमा देते हुए जो है आज जो है 3-4 दिन बीत गए हैं जिसमें कि यही हो रहा है, अभी आ रहे हैं जी 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 जी। थाने में सूचना दी? जी जी जी। अच्छा, शनिवार को जैसे शुक्रवार को ऐसी घटना हुई तो शनिवार को सुबह देखे उधर गोसाईगंज और नई जेल और ये मोहलालगंज सब छान मारा, वहाँ से कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया, जहाँ गांव का एड्रेस अपना बता रहा हूँ वहीं इस नाम का ना व्यक्ति है ना कोई, वहाँ से वापस आए तुरंत बसरावा थाना में, हमने जो है क्या कहा अपना अप्लीकेशन डाला, FIR दर्ज कराई जी और ऐसा को सूचना दी।